वेल दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी एक बार फिर से आप सभी का टेक डिविजन पे स्वागत करता हूं। वेल दोस्तों, सैमसंग अब रुकने नहीं वाला। ऐसा लग रहा है कि सैमसंग ने बहुत ज्यादा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G के प्रोसेसर खरीद लिए हैं और अब हमें सैमसंग की तरफ से और भी ज्यादा 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। यस दोस्तों, आपकी फेवरेट कंपनी सैमसंग कुछ ही टाइम के अंदर अपने एफ सीरीज के अंदर सैमसंग गैलेक्सी F52 स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में लॉन्च कर देगा और ये एक 5G स्मार्टफोन होगा। वेल दोस्तों, रिसेंटली सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया था। यहां पे भी हमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज किए गए थे। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पे आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी F52 के अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग ही देखने को मिलती है। इस वाले 5G फोन के अंदर आपको 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर आपको HD डिस्प्ले ही देखने को मिलता था, लेकिन इस वाले 5G फोन के अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। वेल दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F52 5G स्मार्टफोन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आपको बैक साइड के अंदर वो ही ग्लॉसी बैक पैनल देखने को मिल जाता है। सैमसंग इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर जितने भी फोन्स लॉन्च कर रहा है, सभी के अंदर आपको ग्लॉसी बैक पैनल देखने को मिल जाता है। यस, उसके अंदर एक समस्या भी उत्पन्न होती है कि वहां पे आपको जो फिंगरप्रिंट मैग्नेट वाली जो चीज होती है वो आपको देखने को मिल जाती है, तो इस फोन के अंदर भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप लोग फ्रंट साइड में आते हो तो वहां पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। सैमसंग फिलहाल सेंटर के अंदर पंच होल यूज करता है, लेकिन इस वाले फोन के अंदर आपको साइड के अंदर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो यहां पे आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यस, ये फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है, लेकिन क्वेश्चन ये उत्पन्न हो जाता है कि IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करें तो यहां पे आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो आपको इस फोन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है ये 5G सपोर्ट करता है और इस फोन के अंदर भी आपको 5G देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कैमरा सेटअप की बात करें तो यहां पे आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। इस फोन के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा। सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 4500 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं ना, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन, मेक USB टाइप सी, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और प्राइस की बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है करीबन 23,000 rupees के आसपास में लॉन्च होगा। वेल दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कंपनीज धीरे धीरे 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, रियलमी ने लॉन्च कर दिया, सैमसंग ने लॉन्च कर दिया, शाओमी ने मी सीरीज के अंदर लॉन्च किया, लेकिन रेडमी सीरीज के अंदर लॉन्च नहीं किया, लेकिन वो भी अब लॉन्च करने वाला है। अब एक और कंपनी रह गई है, माइक्रोमैक्स। उस भाई साहब ने अभी तक अपने कार्ड जो है वो अनवील नहीं किए, तो एक्सपेक्टेडली वो भी लॉन्च कर देगा। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक फुल HD IPS पैनल के साथ में आप जाना पसंद करोगे या फिर HD वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आप जाना पसंद करोगे, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं। अगर लग रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक डिविजन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस आएगा, आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।